हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना। डायल पैड में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस हम अपने फ़ोन पर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री बिंदु का, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ रहा है कॉलिड आईडी स्पैम, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इन दोनों ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अननोन नंबर को आपको ऑन करना है। इससे क्या होता है गाइस, जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेव नहीं होते वो आपके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर को आपको ब्लॉक करना, उसके लिए आपको ऐड ए नंबर पर क्लिक करना और यहाँ पर उसका नंबर डालना जिसका आपको ब्लॉक करना, और यहाँ से आप उसे ब्लॉक कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने कॉल ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वोडाफोन इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि फिक्स डायलिंग नंबर्स, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आपको वाईफाई कॉलिंग, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग, जैसे कि आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है तो आप अपने फ़ोन में अपने डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। दूसरा चौथा ऑप्शन है आपका कॉल फॉरवर्डिंग, जैसे कि आप अपने नंबर पे किसी दूसरे नंबर की कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिला था एडनल सेटिंग, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट को जब ऑन कर देंगे आप ऑप्शन के इसको, तो गाइस क्या होता है जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं होते उनकी कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ना। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करनी है आपको, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट नंबर पर क्लिक करना, जो उसे कॉन्टैक्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस जिसकी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है आप उसका यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट वेव पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फर्स्ट नेम एंड सुर नेम, जैसे कि गाइस आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आप फर्स्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं या सुर नेम से, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेवरी प्लीज, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन दोनों ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद गाइस आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्विक रिमेंबरेंस, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे गाइस आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आ रही हो, आप कहीं बिजी है काम में तो उसकी कॉल नहीं उठा पा रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से उसे SMS भेज सकते हैं। तो बैक आ जाते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको अपने फ़ोन में अपनी रिंगटोन लगानी है, कॉल वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, जो भी आपको चेंज करना है या लगाना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिला था वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप पर क्लिक करना और वॉइस नंबर पर क्लिक कर देना। तो गाइस आपको जिस नंबर पर अपनी वॉइस भेजनी है वॉइस, तो उस पर आपको उसका नंबर डालना है यहाँ पर उसका, और इसे यहाँ से ओके कर देना है। तो आप इस तरीके से अपने नंबर पे किसी दूसरे नंबर पे अपनी वॉइस भेज सकते हैं। तो वही बैग आ जाते हैं। बैग आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्लिप टू साइलेंट की जब ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, तो गाइस क्या होता है जैसे कि आपके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ रहा है, आपका फ़ोन रखा हुआ, तो आप चाहते हैं जो आपकी रिंगटोन बजती है वो ऑफ हो जाए, तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना। तो आपका फ़िलिप कर आप अपना फ़ोन जब फ़िलिप कर देंगे तो आपकी जो रिंगटोन है वो ऑफ हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।